गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। पिछला कई लेक्चरों में हमने द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति देखा था, जिसमें हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, एक प्लेन पर विभिन्न बिंदुओं का स्थिति और उनसे बनने वाली आकृति का हमने अध्ययन किया। तो ठीक इसी तरह हम अब त्रिविमीय का मतलब है, द्विविमीय में क्या था कि कुछ प्लेन फिगर बनता था, त्रिविमीय में सॉलिड का अध्ययन आगे जाकर आप करोगे कक्षा 12वीं में, तो उसका हम परिचय देते हैं कैसे इसका अध्ययन किया जाता है, कैसे एक्सिस बनता है। तो जैसे कि मैं एक यहाँ घन बना देता हूँ या घनाप बना देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि इसमें सॉलिड का अध्ययन किया जाता है। ये इस प्रकार इसके ये एक्सिस को मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे ऐसे। तो इसको यदि हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इस साइड वाले को, इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको जेड एक्सिस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसको इसमें बोर्ड में नहीं बना सकते तो ऐसे कर दिए हैं, वास्तव में ये ऐसे है। तो क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बाहर की ओर, अंदर की ओर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इस साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस है, ऊपर की ओर पॉजिटिव जेड एक्सिस है और नीचे की ओर नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो जैसे इसमें चार चतुर्थांश होता है, जैसे इसमें चार चतुर्थांश होता है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, तो त्रिविमीय में क्या होता है, पूरे स्पेस का अध्ययन होता है, स्पेस में अध्ययन होता है। तो यहाँ पर जो एक्सिस से बनता है, तीन एक्सिस है, इससे आठ अष्टांश बनता है। चार भागों का चतुर्थांश था, ये आठ भागों का अष्टांश है। तो जो पहला होगा, पहला अष्टांश जो होगा, देखिए ओरिजिन का तो 0 0 0 एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मिलेंगे, पहला अष्टांश होगा यही तीनों पॉजिटिव है वो वाला है जो सामने में दिख रहा है, जहां पर ये घन रखा हुआ है, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, जेड एक्सिस भी ऐसे इधर की ओर आएंगे तो पॉजिटिव है। तो एक्स वाई जेड ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, वैसे इसको तल को दर्शाया जाए तो ओ एक्स वाई जेड है, ओ एक्स वाई जेड ऐसे, ओ से एक्स, ये वाई और जेड ऐसे करके एक तल है, ये तल में जितने भी बिंदु हैं ऐसे करके ये सब क्या हो जाएंगे, सभी का पॉजिटिव रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय अष्टांश कहना चाहिए, द्वितीय अष्टांश ये इमेजिन कीजिए कि इस घनाप को उधर धकेल दिया गया, ऐसे ये बाहर की ओर है, उसको अंदर की ओर धकेल दिया गया, अंदर की ओर धकेल देंगे तो एक्स डैश एक्सिस की ओर चला जाएगा, बाकी इसकी ये भुजा वाई दिशा में रहेगा, ये भुजा जेड दिशा में रहेगा, तो वास्तव में यहाँ पर बनेगा ओ एक्स डैश वाई जेड बनेगा, मतलब एक्स नेगेटिव हो जाएगा पीछे की ओर चला गया तो, ऐसे करके पीछे की ओर चला गया था, और वाई और ये पॉजिटिव रहेगा। जो थर्ड रहेगा, आप इमेजिन कीजिए कि जो पीछे की ओर धकेल दिए उसको साइड में खिसका देते हैं, मतलब ऐसे था अभी ये यहाँ पर था, उसको पीछे की ओर किए एक्स माइनस हुआ, अब थर्ड निकालना है तो इसको साइड में ऐसे खिसका देते हैं, अभी है ऊपर में ही, तो जब इधर साइड खिसका देंगे तो ये कुछ भाग इसका एक्स डैश की रहेगा, कुछ भाग वाई डैश की ओर रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा जेड ही रहेगा, तो एक प्रकार से ये हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड, मतलब एक्स माइनस वाई माइनस और जेड प्लस। इसके बाद जो चतुर्थ अष्टांश है, चतुर्थ अष्टांश जो इधर खिसका दिए थे उसको फिर खींच लीजिए इधर, ऐसे रखा हुआ था पहले उधर खिसकाए फिर इधर खिसकाए, वापस इधर खींचेंगे तो जेड प्लस ही रहेगा, एक्स फिर से प्लस हो जाएगा और वाई लेकिन माइनस ही रहेगा इधर रहेगा तो, और प्लेन यदि लिखें तो ओ एक्स वाई डैश जेड। तो चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस वाई माइनस, चतुर्थ अष्टांश में, बार बार चतुर्थांश बोल दे रहे हैं, जेड प्लस रहेगा। अभी चारों में क्या था, जेड प्लस था, अब इसको हम ब्लॉक को नीचे डालेंगे, नीचे डालेंगे तब जेड हर बार माइनस होने लगेगा, जेड हर बार माइनस होने लगेगा। अब इमेजिन करते हैं फिफ्थ अष्टांश का, तो फिफ्थ अष्टांश मतलब ठीक इसको नीचे खिसका देंगे, तो एक्स इधर प्लस में रहेगा, वाई इधर प्लस में रहेगा, लेकिन जेड माइनस की ओर चला जाएगा, जो प्लेन होगा वो ओ एक्स वाई जेड डैश, माने जेड माइनस और ये दोनों प्लस रहेगा। अब सिक्स लेते हैं, छठवा अष्टांश, तो नीचे खिसका दिए उसको अब अंदर धकेल देंगे, इसको नीचे खिसका दिए थे जेड माइनस हुआ, अब उसको अंदर धकेल देंगे तो वाई प्लस रहेगा, लेकिन एक्स एक्स डैश की ओर चला जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई तो जेड डैश की ओर नीचे की ओर है, तो इस प्रकार ओ एक्स डैश वाई
जेड डैश रहेगा, मीन्स वाई प्लस रहेगा एक्स माइनस एंड जेड माइनस। ये हो गया छठवां। अब सातवां अष्टांश, सातवां अष्टांश मतलब जो हमने नीचे दबा करके फिर ढकेला था उसको ऐसे साइड में ले आएंगे, साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि साइड में लाएंगे तो y भी डेस हो जाएगा और x भी डेस रहेगा, z भी डेस रहेगा, यानी सभी माइनस हो जाएगा यहाँ। O x डेस y डेस z डेस माइनस माइनस माइनस। अब आठवां, आठवां का मतलब है जो इधर साइड किए थे उसका फिर थोड़ा सामने लाएंगे, इधर सामने लाएंगे और नीचे था, नीचे था तो z तो माइनस रहेगा, साइड में है तो y माइनस रहेगा, लेकिन इधर लाएंगे तो x प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ओ एक्स वाई डेस जेड डेस, ऐसे प्लेन का नाम होगा। तो ये आठ अष्टांश का ये क्या हुआ, चिन्ह हुआ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें हमारे पास 4 माइनस 3 5, इसमें y माइनस है और x और z प्लस है, तो ये चौथा चतुर्थांश में, चौथा अष्टांश में है ये पहला जो है। दूसरा दिया हुआ है माइनस 7 टू 15, तो x माइनस में है बाकी, तो ये दूसरा अष्टांश हो गया। और उसके बाद है माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3, तो सभी माइनस है तो सातवां हो गया ये। और x प्लस में है, y और z माइनस में है, तो ये आठवां हो गया। ऐसे इनके अष्टांश का कैलकुलेशन होगा, इनके अष्टांश का कैलकुलेशन इस प्रकार का होगा इसमें, और नाम भी वैसे ही दे सकते हो जो इधर नाम दिया गया है। तो ये विभिन्न अष्टांश का परिचय हुआ। आगे हम देखते हैं इनके एक्सिस पर या प्लेन, एक्सिस या प्लेन के बारे में हम आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है तल वगैरह का या एक्सिस बनाने का है, एक्सिस बनाने का है। जैसे अभी इसको मैंने समझाया वैसे ही हमारे पास एक घन दिया हुआ है, सॉरी घनाभ है ये, ए बी सी अलग अलग लंबाई का है, इसको यहाँ पर फिर से हम बना देते हैं घनाभ आकार में ऐसे, ये ऐसे। ऐसे बना हुआ है, इसका निर्देशांक ए बी सी दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। प्रश्न क्रमांक दो, तो प्रश्न क्रमांक दो में ये ए बी सी है, मतलब यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक सी है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई और जेड, वाई और जेड जीरो होगा, लेकिन यहां से यहां तक दूरी ए है, तो ये हो जाएगा ए जीरो जीरो। ये जेड एक्सिस में है तो एक्स और वाई जीरो होगा, और यहां से यहां तक दूरी सी है तो ये सी हो जाएगा। ये y एक्सिस में है तो x जीरो होगा और z जीरो होगा, और यहां से यहां तक की दूरी b है तो जीरो b जीरो इसका निर्देशांक होगा। इसको एक्स वाई प्लेन कहा जाता है, ये ऐसे करके है, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में जो भी बिंदु होगा वो y तरफ आगे पीछे नहीं है, मतलब उसका y निर्देशांक जीरो होगा, और x x दूरी a है, y दूरी z दूरी c है, तो इसका हो जाएगा ए जीरो सी इसका निर्देशांक। ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में जेड तरफ इसका दूरी जीरो होगा, तो ये हो जाएगा ए बी जीरो, एक्स दिशा में ए, वाई दिशा में बी, जेड दिशा में जीरो। ये वाई जेड प्लेन में है तो एक्स जीरो हो जाएगा और वाई दिशा में बी और जेड दिशा में सी होगा। इस प्रकार इसके निर्देशांक को हम दर्शा सकते हैं, इस प्रकार इसके निर्देशांक को हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन, पहले प्रतिबिंब का देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ हम देते जाएंगे सभी दूरियों का, जैसे जैसे आते जाएगा क्वेश्चन, जैसे जैसे आते जाएगा तो उसका इंट्रोडक्शन बताते जाएंगे। प्रतिबिंब बोला है तो जिसमें भी प्रतिबिंब होगा, जैसे कि अब एक्स वाई जेड एक्सिस हम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ऋण 3 4 7 का वाई जेड तल में प्रतिबिंब निकालना है। ये वाई जेड प्लेन है और ये निर्देशांक, ये बिंदु जो है अंदर की ओर है, माइनस तीन है मतलब इसमें एक्स की वैल्यू इसका माइनस मतलब अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, तो इसको इस पर दर्पण रख देंगे, इस पर दर्पण देंगे तो उतनी दूरी बाहर की ओर दिखने लगेगा, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखने लगेगा। ऐसे वाई और जेड तो जो कहते हो रहेगा, लेकिन एक्स जो है, एक्स इसका क्या हो जाएगा, माइनस 3 4 7 का एक्स वाई तल में प्रतिबिंब लेंगे तो ये 3 4 7 हो जाएगा, मतलब एक्स वाई तल में तो एक्स चेंज होगा। दूसरा दिया हुआ है माइनस 7 2 -1 एक्स जेड तल में बोला है, तो ये कौन से वाई वाई एक्स निगेटिव मतलब अंदर की ओर है, जेड पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर है, और
वाई नेगेटिव मतलब इस साइड में है और एक्स जेड तल मतलब इसमें लेंगे तो दर्पण यहाँ रखेंगे तो ये बिंदु इधर दिखने लगेगा यानी वाई प्लस हो जाएगा। जे एक्स तो उस साइड अंदर की ओर है तो माइनस ही रहेगा तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा माइनस सेवन जेड माइनस है इसमें एक्स जेड तल जेड माइनस है मतलब नीचे की ओर है सॉरी है ना जेड माइनस है और वाई प्लस है तो इधर है तो इधर दिखने लगेगा यानी वाई माइनस हो जाएगा माइनस सेवन माइनस टू माइनस वन। एक्स माइनस है मतलब अंदर की ओर है वाई प्लस है मतलब इधर है और जेड माइनस है मतलब नीचे की ओर है। अब एक्स वाई प्लेन में ऐसा करेंगे तो नीचे की ओर इधर आएगा तो वाई माइनस हो जाएगा बाकी एक्स माइनस ही रहेगा एक्स माइनस रहेगा जेड भी माइनस रहेगा तो ये या वही वाले तल में आ जाएगा जो तीनों माइनस होता है उसमें और एक्स वाई तल में लेंगे तो जेड बदलेगा फाइव फोर माइनस थ्री। एक्स पॉजिटिव है मतलब इधर वाई पॉजिटिव मतलब इधर और जेड नेगेटिव है मतलब नीचे की ओर है तो एक्स वाई तल को दर्पण मानेंगे ऐसे करके एक्स वाई तल तो ये ऊपर की ओर दिखने लगेगा जेड इसका प्लस हो जाएगा। एक्स वाई तल में यदि प्रतिबिंब लेंगे तो फाइव फोर थ्री इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हमारा दूरी सूत्र आएगा। दूरी सूत्र के साथ साथ ये होगा कि दूरी के बारे में दूरी सूत्र जो द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में था वही है लेकिन अक्षों से और तल से जो दूरी होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि कोई बिंदु यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है तो एक्स डायरेक्शन में ए दूरी पर है वाई डायरेक्शन में बी दूरी पर है जेड डायरेक्शन में सी दूरी पर है ऐसे करके है तो किसी तल से इसका दूरी लेंगे किसी तल से इसका दूरी लेंगे मतलब वाई जेड तल से YZ तल से यदि दूरी लेंगे यहाँ पर बिंदु है तो इस तल से दूरी लेंगे तो X निर्देशांक आ जाएगा और ये XZ तल है XZ से दूरी लेंगे तो ये Y निर्देशांक आ जाएगा ये Y ये Z ये X। किसी तल से दूरी लेंगे जैसे X YZ तल है YZ तल से दूरी मतलब YZ तल ये हुआ बिंदु यहाँ है तो ये X दिशा में लंबवत चलेगा तो X निर्देशांक XZ तल माने Y दिशा में लंबवत चलेगा तो Y निर्देशांक इसकी दूरी हो जाएगी और एक्स वाई तल मतलब ऐसा हो गया तो ऊपर की ओर चलेंगे तो जेड निर्देशांक के बराबर सी के बराबर इसकी दूरी हो जाएगी। ये इधर तल वगैरह का दिया हुआ है उसके लिए बता रहे थे। किसी अक्ष से दूरी सिर्फ वाई अक्ष से दूरी यदि हम निकालेंगे जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु है और इस अक्ष से ऐसे दूरी निकालेंगे हम इसका इस अक्ष से दूरी निकालेंगे तो क्या होगा कि इसका यहाँ से ये बिंदु है तो इस डायरेक्शन में ये ओरिजिन से ओरिजिन यहाँ पर है मान लीजिए ऐसे करके एक्स निर्देशांक ऐसे करके आएगा एक्स दिशा में ये जेड दिशा में तो ये लगभग एक विकर्ण मिलेगा जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो जिस अक्ष से दूरी निकालेंगे उसके बाकी दोनों अक्षों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल निकालेंगे तो वो दूरी निकलेगा। इस प्रकार जैसे एक्स अक्ष दूरी है तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा वाई अक्ष दूरी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र तो वही है पी एक्स वन वाई वन एक निर्देशांक एक्स्ट्रा एड हो गया पहले एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेते थे अब एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू तो इनके बीच की दूरी पी की इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बस दूरी सूत्र में एक निर्देशांक और बढ़ गया बाकी दूरी वही है। तो यहाँ पर पांचवा में समरेख सिद्ध करने कुछ क्वेश्चन सेम सेम है जैसे चौथा क्वेश्चन है पूरा पूरा दूरी निकालने का है सभी में दूरी ही निकालना है इसीलिए कुछ क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया है जिस भी बुक से इसको क्वेश्चन को हमने लिखा है। तो पांचवा में हम देखते हैं कि समरेख सिद्ध करना समरेख सिद्ध करने का मतलब है यदि समरेख नहीं है तो ऐसे होगा तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर नहीं होगा लेकिन एक ही दिशा में होगा तो इन दोनों का योगफल एक ही दिशा में तीनों बिंदु होगा तो दो छोटे भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा के बराबर हो जाएगा यदि ऐसा होगा तो। यदि ए बी सी ऐसा होगा त्रिभुज बना रहा है तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी कभी हो ही नहीं सकता त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है लेकिन यदि एक ही रेखा पर ऐसे करके है तो जो बड़ी भुजा है वो दो छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर होगा तो दूरी सूत्र ही निकालना है हमको दूरी सूत्र ही निकालना है। पांचवा में ये है ए फोर माइनस थ्री माइनस वन बी फाइव माइनस सेवन सिक्स एंड सी थ्री वन माइनस एट
तो ए बी निकालते हैं अंडर रूट 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा माइनस 7 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 8 माइनस माइनस 1 करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 1 हो गया तो 1, ये माइनस 4 हो गया तो 16 और ये माइनस 7 हो गया तो 49, तो रूट 66 आ रहा है, रूट 66 ये आ रहा है ए बी। बी सी ले लेते हैं 3 माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस 7 तो ये एंड माइनस 8 माइनस 6 तो अंडर रूट, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक यदि होगा तो फिर से मिला लेंगे, पहले देख लेते हैं। ये माइनस 2 तो 4 आएगा, ये 8 तो 64 आ जाएगा और ये 14 तो 196 आ जाएगा, ये 264 हो गया। कैलकुलेशन तो कुछ अजीब सा लग रहा है, बुक से देखते हैं। ए सी 3 माइनस 4 1 माइनस माइनस 3 एंड 8 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा, इसमें से तो 4 अलग किया जा सकता है, 4 सिक्स जहाँ ठीक है ठीक है, ये 2 रूट 66 है, इसमें से 4 अलग करेंगे तो 4 सिक्स जा जाएगा तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा। ये 3 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 8 प्लस 1 81 हो जाएगा, ऐसे 81 तो कितना हो गया 98 49 गुणित 2 ने 7 रूट 2 हो गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं मिस्टेक वगैरह होगा तो बिंदु का, क्योंकि समरेख बोला है तो सिद्ध होगा ही ये 4 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 7 6 एंड 3 1 माइनस 8 तो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा हुआ है बुक में, कैलकुलेशन एक बार और देख लेते हैं। 5 माइनस 4 एंड माइनस 7 माइनस 7 माइनस 3 तो प्लस 3 एंड 6 अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ठीक ए बी जब ले रहे थे तो इसके बिंदु को ले लिए थे, ये आ जाएगा 6 ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा तो 6 प्लस, अरे तो भी वही है 6 माइनस माइनस 1 अच्छा यहाँ भी मिस्टेक है, ये तो वही का वही हो गया पहला वाला। लास्ट वाले देख लेते हैं, ये 6 प्लस 1 ये आ गया, सेकंड वाला में देख लेते हैं, सेकंड वाला हो जाएगा 3 माइनस 5 एंड 1 माइनस माइनस 7 एंड माइनस 8 माइनस 6 तो 1, तो ये हो गया 264। तो इसमें हम लिख सकते हैं 4 इंटू 66, 4 6 24 4 6, तो ये 2 रूट 66। इसमें लास्ट वाले में देख लेते हैं 3 माइनस 4 1 माइनस माइनस 3 एंड माइनस 8 प्लस 1, तो ये हो गया अंडर रूट, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, ये 49 हो गया, तो ये रूट 66। तो आगे देखिए ए बी प्लस ए सी करते हैं, ए बी रूट 66 है, ये भी रूट 66 है, इक्वल टू 2 रूट 66 इक्वल टू हो गया बी सी, इसीलिए ए बी सी समरेख है, इसलिए ए बी सी समरेख है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, इसको समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बताना है, मतलब दूरी ही निकालना है, दो भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ छठवा को, 0 माइनस 7 वहाँ से वैल्यू रखने में ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, सेकंड को 16 माइनस 6 एंड सी 49 माइनस 6, तो ए बी 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर
प्लस माइनस सिक्स प्लस टेन का स्क्वायर। दूरी निकालते समय जिसको x2 मानेंगे उसी के साथ वाले को y2 मानना पड़ता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये 1 आ जाएगा और ये 6 माइनस 7 फिर 1 आ जाएगा और ये 4 तो 16 आ जाएगा। रूट 18 9 गुणित 2 यानी 3 रूट 2 हो गया। बी सी 4 माइनस 1 स्क्वेयर 9 माइनस 6 स्क्वेयर फिर माइनस 6 माइनस 6 यानी प्लस 6 स्क्वेयर। तो ये 3 स्क्वेयर 9 और ये भी 3 स्क्वेयर 9 तो ये 3 रूट 2 हो गया कुल मिलाकर ये भी। और दो इक्वल आ गया, वैसे समबाहु तो हो ही गया तो अभी निकाल देते हैं। ए सी 4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वेयर, ये माइनस करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 16, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 तो फिर से 16 तो 16 32 36 तो ये 6 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर है इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब समांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत नहीं है करके सिद्ध करना है, दूरी सूत्र ही लगाना है। समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण बराबर होगा तो आयत हो जाएगा। ए है 1 2 3, बी है -1 -2 -1, 2 3 2 एंड 4 7 6। तो ए बी निकालते हैं, अंडर रूट -1 -1 का स्क्वायर -1 प्लस -2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया -1 2 आ गया, ये 4 आ गया तो 4 16 16 तो ये 36 यानी 6 आ गया। सी डी भी निकाल लेते हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होना चाहिए। 2 -4 का स्क्वायर 3 -7 का स्क्वायर 2 -6 का स्क्वायर, इसमें भी आ गया, यहाँ 2 आएगा यहाँ 4 आएगा यहाँ 4 तो 4 + 16 + 16 = 6। ए बी और सी डी बराबर है। बी सी देख लेते हैं, 2 -1 यानी 2 + 1 का स्क्वायर 3 -2 यानी 3 + 2 का स्क्वायर 2 -1 यानी 2 + 1 का स्क्वायर। तो ये 3 ये 3 ये 5 तो 9 + 25 + 9 9 9 18 तो रूट 43। ए डी देख लेते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो ये भी वही आ गया 3 5 3 यानी 9 25 + 9 तो रूट 43। तो इस प्रकार ए बी बराबर सी डी है, बी सी बराबर ए डी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अतः ये क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। लेकिन अब विकर्ण निकालते हैं। ए सी बराबर 2 - 1 और 3 - 2 प्लस 2 - 3, तीनों 1 हो रहा है, ये 1 ये 1 ये -1 तो 1 1 1 आएगा, रूट 3 आएगा। एंड बी डी अंडर रूट 4 - -1 यानी 4 + 1 का स्क्वायर 7 - -2 यानी 7 + 2 का स्क्वायर एंड 6 - -1 यानी 6 + 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 25, 9 है तो 81, ये 7 है तो 49। तो निश्चित रूप से दोनों अलग अलग हैं, विकर्ण जो है अलग अलग इसका है। तो ये आयत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8, समांतर चतुर्भुज है पर आयत नहीं है। समांतर चतुर्भुज है पर आयत नहीं है। 9वां का पहला 4 3 5, 4 3 5 का वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी लेंगे तो अंडर रूट एक्स निर्देशांक का स्क्वायर प्लस जेड निर्देशांक का स्क्वायर, तो 25 और 16 41, रूट 41। एक्स 102 का एक्स अक्ष से दूरी बराबर
एक्स एक्सिस है तो वाई निर्देशांक प्लस जेड निर्देशांक स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, ये तो 0 ये 4 हो जाएगा। तो एक्स वाई तल से दूरी 2 6 8 का एक्स वाई तल से दूरी बराबर जेड निर्देशांक, एक्स वाई तल है तो जेड निर्देशांक हो जाएगा, वाई जेड तल रहता तो एक्स निर्देशांक हो जाता तो ये 8 आ जाएगा। 11वां प्रश्न, 10वां सेम होगा तो छोड़ दिया गया है। जेड अक्ष पर बिंदु जो 1 2 3 से रूट 21 की दूरी पर है, तो जेड अक्ष पर बिंदु 0 0 C है मान लेते हैं ये, और इसका दूसरा बिंदु है Q 1 2 3, तो PQ बराबर रूट 21 दिया हुआ है, तो जेड अक्ष का बिंदु निकालना है। जेड अक्ष पर बिंदु निकालना मतलब उसका एक्स और वाई निर्देशांक 0 होगा, एक्स अक्ष पर निकालेंगे तो वाई और जेड निर्देशांक 0 होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, प्लस 3 - C का स्क्वायर इक्वल टू रूट 21। तो दोनों साइड का वर्ग कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, 1 + 4 प्लस 3 - C का स्क्वायर इक्वल टू 21, तो ये 5 हो गया, 3 - C स्क्वायर इक्वल टू 21 माइनस 5, 3 - C स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 3 - C का रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस 4 आएगा, C इक्वल टू 3 - +4, तो C इक्वल टू या तो 7 है या C इक्वल टू -1 है, प्लस लेंगे तो 7 और माइनस लेंगे तो -1। तो जेड अक्ष का बिंदु हमारे पास मिलेगा, जेड अक्ष का बिंदु हमारे पास मिलेगा 0 0 7 या फिर 0 0 -1, दो बिंदु मिलेंगे। अच्छा, ये दो बिंदु कैसे मिल सकता है रूट 21 की दूरी पर? अब जैसे जेड एक्सिस को यहाँ पर हमने ऐसा बनाया हुआ है ऐसा लंबा, तो जेड अक्ष पर ए बिंदु जो है 1 2 3 स्पेस में कहीं यहाँ पर है, सपोज मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ए रूट 21 की दूरी पर एक इधर से भी होगा एक इधर से भी होगा, तो ये वाला 0 0 7 ये वाला 0 0 - 1 होगा, ऐसे करके बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का पहला, एक्स वाई तल में दूसरा वाई जेड तल में जो ए डी और सी से समदूरस्थ है, ए को हम लिख लेते हैं पहले -1 - 1 0, बी है 2 1 2, सी है 3 2 - 1, तो एक्स वाई तल में फिर वाई जेड तल में लेना है, तो एक्स वाई तल में क्या हो जाएगा, एक्स वाई तल का बिंदु, एक्स वाई तल का बिंदु यानी जेड निर्देशांक उसका 0 रहेगा एक्स वाई तल में है, तो एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में हम ए बी 0 ले लेते हैं पी, तो हमको दिया गया है पी ए इक्वल टू पी बी, और पी ए इक्वल टू पी सी या पी बी इक्वल टू पी सी भी लिख सकते हो, इनसे समदूरस्थ है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो पी ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 यानी स्क्वायर, ये भी 0 है ये भी 0 है, इक्वल टू पी बी ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 का स्क्वायर एंड 0 - 2 का स्क्वायर, ऐसे ये 0 - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया a² - 2a प्लस 1, b² + 2b प्लस 1, a² - 4a प्लस 4, b² - 2b प्लस 1 प्लस 4, तो a² b² दोनों साइड कट जाएगा, -2a - 4a इधर आएगा तो 4a - 2a प्लस 2b - 2b आएगा तो प्लस 2b, और 1 1 2, ये 4 4 8 और ये 9 तो -9, या इसको उधर कर देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना है हमको, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये 1 9 और 9 और ये -2, तो इधर 9 - 2 ये हो जाएगा 2a + 4b = 7,
ए और बी में ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम पी ए इक्वल टू पी सी लेते हैं। पी ए तो ऐसे ही लिखाएगा, पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू पी सी। जब लिखेंगे तो ए माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का स्क्वायर और जीरो माइनस माइनस वन यानी जीरो प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस फोर प्लस वन। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी कटेगा, माइनस टू ए माइनस सिक्स ए, माइनस टू ए माइनस सिक्स ए इधर आएगा तो अच्छा नहीं प्लस सिक्स ए होगा, इधर माइनस सिक्स ए है प्लस टू बी और इधर पर माइनस टू बी है तो प्लस फोर बी है, प्लस फोर बी आएगा। लास्ट में नंबर को देखते हैं, ये नाइन ये वन टेन फोर्टीन, फोर्टीन माइनस टू इधर आएगा तो ये हो गया फोर ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू ट्वेल्व। फोर का डिवाइड कर देते हैं ए प्लस थ्री बी इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। इसमें हम टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं एलिमिनेट करने के लिए, इसी में टू का टू ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू एट और इसको उसके नीचे में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा टू ए प्लस फोर बी इक्वल टू सेवन। माइनस कर देंगे तो ए कट गया, सिक्स में से फोर गया तो टू बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन बाई टू। ये है ट्वेल्व का फर्स्ट, ट्वेल्व का फर्स्ट जिसका है हाँ ठीक है, एक्स निर्देशांक है वाई निर्देशांक इलेवन ट्वेल्व देख लेते हैं इसका एक्स वाई तल थ्री टू माइनस वन। इसका वाई निर्देशांक इसमें वन दिया हुआ है, इसमें वन बाई टू आ रहा है, देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक होगा तो। ए माइनस वन बी प्लस वन, ए माइनस वन बी प्लस वन, ए माइनस अच्छा ये बी निकालना है, ए माइनस टू बी माइनस वन जीरो माइनस टू। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए माइनस टू ए टू बी प्लस टू बी फोर प्लस फोर प्लस वन माइनस टू। ठीक है ए माइनस वन बी प्लस वन और ए माइनस थ्री बी माइनस टू जीरो प्लस वन माइनस सिक्स ए माइनस फोर बी नाइन प्लस टेन फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व ए प्लस थ्री बी टू ए प्लस सिक्स बी। ठीक है आगे देखते हैं हम, हाँ बी इक्वल टू हाफ तो ए इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं ए प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू फोर तो ए इक्वल टू फोर माइनस थ्री बाई टू तो ये भी वन बाई टू आ रहा है। वन बाई टू वन बाई टू जीरो, वन बाई टू वन बाई टू जीरो ऐसे आ रहा है, ये वन तो ये थ्री बाई टू। इनका दूरी निकाल लेते हैं, इसका वन माइनस वन बाई टू ये देखिए चेक, वन माइनस वन बाई टू तो वन बाई टू आएगा तो वन बाई फोर, माइनस वन वन बाई थ्री बाई फोर तो नाइन बाई फोर तो फाइव बाई टू, टू माइनस वन बाई टू यानी फाइव बाई फोर, वन माइनस वन बाई टू तो वन बाई फोर प्लस फोर तो सिक्स बाई फोर प्लस सिक्सटीन। अच्छा समान दूरी नहीं आ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या है अच्छे से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। बिंदु का एक्स वाई तल से ए वन माइनस वन
वन माइनस वन जीरो, बी टू वन टू एंड सी थ्री टू माइनस वन से समदुरस्त है एक्स वाई तल में। तो एक्स वाई तल में है तो जेड जीरो लेंगे, बिंदु पी हो जाएगा ए बी जीरो, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का स्क्वायर प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। ए माइनस, अच्छा यहाँ मिस्टेक किए थे, ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी माइनस वन का स्क्वायर, ये मिस्टेक था हमारा पिछला कैलकुलेशन में, ये बिंदु को दूसरा बिंदु टू वन टू है, ये मिस्टेक था पता चल गया। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर प्लस ए माइनस टू बी माइनस वन प्लस जीरो माइनस टू लिखना होगा, और पी बी के लिए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन प्लस फोर। तो ये आगे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएगा, फोर ए इधर आएगा तो फोर ए माइनस टू ए प्लस टू बी, और इधर से माइनस टू बी आएगा तो प्लस टू बी इक्वल टू नाइन माइनस टू यानी सेवन, तो टू ए प्लस फोर बी इक्वल टू सेवन, तो टू टू ए प्लस फोर बी इक्वल टू सेवन, ये इक्वेशन चेंज होगा। पिछला इक्वेशन जो था टू ए प्लस फोर बी हम तो किए थे, बी माइनस वन का स्क्वायर ए माइनस टू का स्क्वायर टू ए प्लस फोर बी, फोर फोर एट, एक वन कटा तो सेवन, जीरो माइनस टू जीरो माइनस जीरो, चलिए ठीक है। अब देखते हैं पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर, मीन्स ए माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस वन का यानी वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन इक्वल टू ए माइनस थ्री है तो ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन, बी माइनस टू है तो बी स्क्वायर माइनस फोर बी प्लस फोर एंड वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, सिक्स ए इधर आएगा तो सिक्स ए माइनस टू ए एंड माइनस फोर बी आएगा तो टू बी प्लस फोर बी इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू तो ट्वेल्व, सेम आ रहा है वैसे, फोर ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू ट्वेल्व, टू से डिवाइड कर देते हैं, टू ए प्लस थ्री बी इक्वल टू सिक्स, अब आ जाएगा टू ए प्लस फोर बी, यहाँ पर डिवाइड किए थे वो गलत था, टू ए प्लस फोर बी इक्वल टू सेवन दिया हुआ है एंड टू ए प्लस थ्री बी इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो ये कट गया बी इक्वल टू वन। अब किसी एक में b इक्वल टू वन यहाँ रख देते हैं, टू ए प्लस थ्री इंटू वन इक्वल टू सिक्स, तो टू ए इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री तो a इक्वल टू थ्री बाई टू, तो एक अक्ष पर बिंदु हो गया थ्री बाई टू एंड वन एंड जीरो, सॉरी एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में बिंदु इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक तेरह देख लेते हैं, ये आगे वैसे वाई जेड तल का भी दिया है, वाई जेड तल लेंगे तो एक्स जीरो होगा, बी और सी मान करके बनाना होगा उसको, स्वयं देख सकते हो। आगे देखिए वाई अक्ष पर बिंदु बोला है, वाई अक्ष पर बिंदु है तो एक सौ और चौदह, हाँ तेरवा का सेम रहे उन्होंने पर छोड़ दिए हैं, चौदह में देखो वाई अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु को जीरो बी जीरो करके माना जाएगा, x और z निर्देशांक जीरो होगा, उसका थ्री वन टू व फाइव फाइव टू से दूरी समान है बोला है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको p और इसको q, तो ए पी स्क्वेयर इक्वल टू ए क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, तो अंडर रूट थ्री स्क्वेयर वन माइनस बी स्क्वेयर इसके साथ ले रहे हैं प्लस टू माइनस जीरो स्क्वेयर
इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जीरो होने की वजह से ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अंडर रूट नहीं डालना था, स्क्वायर ले लिए हैं तो ये 9 हो गया प्लस 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ये 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 धन 10 माइनस 10b धन बी स्क्वायर धन 4, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10b इधर आएगा, या फिर पहले लिख लेते हैं माइनस 2b, 9 एक 10 4 14 और 25 50 और 54 माइनस 10b, तो 10b माइनस 2b इक्वल टू 54 माइनस 14, तो 8b बराबर 40, b बराबर 5, तो 050 y अक्ष पर बिंदु होगा, y अक्ष पर ये बिंदु होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वां। बिंदु 000, देखो 15वां में चार बिंदु दिया है, 000 0a0 0b0 एंड 00c, एक एक्स अक्ष पर है, एक वाई अक्ष पर है, एक जेड अक्ष पर है और एक मूल बिंदु है, इनसे बराबर दूरी होना चाहिए बोला है, इनसे बराबर दूरी होना चाहिए बोला है, तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, तो इस बार इसके इक्वल करते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको पी मान लेते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस यहाँ जीरो का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो यानी जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जीरो यानी एक्स स्क्वायर, वाई माइनस अच्छा इसको ए जीरो जीरो लो सॉरी, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई माइनस जीरो यानी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो ऐसे ही कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी कट गया, टू ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए, तो ए बाई टू, एक्स ए बाई टू आ गया। अब क्या करेंगे हम, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लेंगे, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर लेंगे, सब सेम टू सेम होगा, अब की बार एक्स और जेड कट जाएगा पूरा पूरा, वाई की वैल्यू बी बाई टू निकल जाएगा इससे, और इसी तरह जब पी ए स्क्वायर से पी डी स्क्वायर करेंगे तो जेड इक्वल टू सी बाई टू हो जाएगा, तो बिंदु है ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू। प्रश्न क्रमांक 15 में अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बिंदु पथ निकालने का दिया हुआ है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन बिंदु पथ निकालने का दिया हुआ है, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन ही करते हैं। P का बिंदु पथ ज्ञात करना है जबकि 3PA बराबर 3PB दिया हुआ है, 2PB दिया हुआ है। 16 A दिया हुआ है माइनस टू माइनस टू थ्री, बी दिया हुआ है 13 माइनस थ्री 13, और हमको बिंदु पथ निकालना है जबकि हम P को एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं, और हमको दिया गया है 3PA इक्वल टू 2PB स्क्वायर करेंगे तो 9PA स्क्वायर इक्वल टू 2PB स्क्वायर, तो ये आगे हो जाएगा 9PA स्क्वायर का मतलब है x माइनस माइनस टू यानी x प्लस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा z माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पी बी मीन्स एक्स माइनस 13 ये 13 है, y प्लस 3 हो जाएगा y माइनस माइनस 3 एंड z माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड 3 है तो प्लस 9 4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 169 13 का स्क्वायर 169 वाई प्लस 3 तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 26 जेड प्लस 169 ऐसे करके आया।
अब इसको हम क्या करते हैं, लगभग सब टर्म सभी टर्म्स एक एक बार है, बस जो कांस्टेंट है वो एक से अधिक बार है। तो इसको जैसे 9x स्क्वायर लिखते हैं तो उधर से -4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9y स्क्वायर करते हैं तो उधर से -4y स्क्वायर हो जाएगा, 9z स्क्वायर करते हैं तो उधर से आएगा तो -4z स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर टर्म्स हो गए। अब यहाँ 4x है तो 36x हो जाएगा, और यहाँ 26 है तो 26 4 जा 104, माइनस में रहेगा इधर आएगा तो +104x हो जाएगा। अब y का टर्म्स देखते हैं, 9 × -4 तो -36y, अब इधर क्या हो जाएगा, y का टर्म 6 है तो 4 6 = 24, इधर आएगा तो -24y। अब z का टर्म्स देखते हैं, 9 इधर -6 है तो -54z, और इधर है -26z, और इधर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 104, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 104z। अब कांस्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, 4 4 8 और 17 17 9 जा 153 इधर देख लेते हैं, 169 169 कितना हो जाएगा, 8 3 3, उसके बाद और कितना है, 9 और है ये, तो 3 4 7 × 4 कितना इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस में आ जाएगा 4 7 8 28 16 and 18 12 and 13 = 0। तो ये हो गया 5x² 5y² 5z² और 140 x ऋण 36 ऋण 24 तो ऋण 60y, 104 ऋण 54 तो 50 50z, इसमें 8 में से 3 गया तो 5, और 8 में से 5 गया तो 3, और 13 में से 1 गया तो 12। सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, x² y² z² और ये हो जाएगा 26। पाँच दोने 5 और 28 28x ऋण 12y धन 10z ऋण 5 2 5 4 5 7 = 0। ये है प्रश्न क्रमांक 16 का बिंदु पथ। इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका मिस्टेक बता रहा है, कांस्टेंट टर्म्स को चेक कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है। ये जो टर्म्स आया है ये टर्म्स बस आंसर में कुछ अलग है, देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो, बाकी सब ठीक है। तो पहले तो बिंदु को चेक कर लेते हैं, 16 13 × 13 -2 2 3 13 × 3 13 कांस्टेंट टर्म में तो चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 आ गया, ये 4 4 8 9 17 17 170 तो 9 जा 153 169 169 9 9 18 6 6 12 13 338 347 4 7 28 4 6 16 18 12 13 चलिए कैलकुलेशन भी ठीक लग रहा है, इसको और कुछ होगा तो आगे बताएंगे, बाकी सब ठीक लग रहा है, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा केंद्रक दिया है, केंद्रक तो वैसे अगले चैप्टर में आना चाहिए था, इस प्रश्नावली में दे दिया है तो बता देते हैं। 3 - 5 7 एक है, और दूसरा b है -1 7 - 6
सी को एक्स वाई जेड मान लीजिए, केंद्रक है 111। तो ये सेक्शन फार्मूला में वैसे आता है लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे दिए बता देते, भूल जाएंगे अगली बार। यदि एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री त्रिभुज के तीन शीर्ष है तो उसके केंद्रक होता है एक्स वन वाई वन जेड वन अपॉन थ्री एंड एक्स टू वाई टू जेड टू अपॉन थ्री एक्स थ्री अरे सॉरी एक शून्य दिशा कैसा बनेगा इसका, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई थ्री अपॉन थ्री जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन थ्री। ये हमको वन 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 गिवन है केंद्रक। अब मान रखते हैं थ्री माइनस वन, थ्री एक्स एक्स को जोड़ते हैं, थ्री माइनस वन प्लस एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू वन कर देते हैं उसके इक्वल, तो ये टू प्लस एक्स इक्वल टू थ्री या एक्स इक्वल टू वन। अब वाई को देखिए माइनस फाइव प्लस सेवन प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन, तो टू प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो वाई इक्वल टू वन। अब तीसरा देख लेते हैं, माइनस फाइव प्लस सेवन, सेवन माइनस सिक्स प्लस जेड अपॉन थ्री इक्वल टू वन, तो जेड प्लस वन इक्वल टू थ्री, तो जेड इक्वल टू टू, वन वन टू है ऐसा है, वन वन टू ये हो गया इसका तीसरा शीर्ष। तो इस प्रकार ये त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।